औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब चैनल एसजेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम बूढ़ दाल से कैसी मोतीचूर का लड्डू बनता है देखते हैं। बहुत ही आसान तरीक़े से इस तरीक़े से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतीचूर के लड्डू के लिए हम 250 दाल लिए हैं, बूंद का दाल। इसे हम 5 से 6 घंटे भिगोकर छान कर रखे हैं। इस तरीके से हम इसे दबाएंगे तो फट जाना चाहिए। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर का जार में ग्राइंड कर लेंगे। रुक रुक कर चलाएंगे, कुछ भी पानी नहीं देंगे इसमें। थोड़ा सा दरदरा इसे हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरीके से हम दरदरे इसे कूट ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम बड़ा बनाएंगे। इसका हम इस तरीके से लेंगे, इसका थोड़ा सा इसे चिपटा करके इस तरीके से छोटा छोटा आकार में इस तरीके से बड़ा बना लेंगे। तेल गरम कर चुके हैं हाई फ्लेम में। इस तरीके से हम सारे बड़े तरीके से बना लेंगे। आप चाहे तो घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में बनाई हूँ। इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का फ्राई कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। इतना ही फ्राई करेंगे इसे, सारा इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर चुके हैं। इसे बिल्कुल ठंडे होने देते हैं, एकदम ठंडा हो जाए तो फिर दिखाते हैं। हमारा वारा ठंडे हो चुके हैं, इसे हम इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तोड़कर हम थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। इसे दिखाते हैं, थोड़ा करके इसे ग्राइंड कर लेंगे, दिखाते हैं। से दिखाओ। हम दरदरे सूजी के जैसे से ग्राइंड कर लेंगे। जो मोटी चलनी होती है उसमें हम चला लेंगे। चलो उसके लिए हम चाशनी बनाते हैं। जिस कप से आप दाल लिए हैं उसी कप से 1 कप चीनी लेंगे, उसमें 1/2 कप पानी हम डाल लेंगे। चीनी को हम चीनी मेल्ट करने तक हम इसे चिपचिपी थोड़ा सा चिपचिप होने तक इसे हम पकाएंगे। इसका चाशनी बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। मूंग दाल का मोतीचूर का लड्डू। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है मोतीचूर का लड्डू। इसे सिर्फ मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसका
कोई तार वार बनाएंगे नहीं, इसे थोड़ा सा चिपचिपे बनाएंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाए दिखाते हैं। शुगर हमारा मेल्ट कर गया है, इसे कोई तार वायर का चेक नहीं करेंगे, इसे सिर्फ चिपचिपे बनाना है, इसका कोई तार वायर नहीं बनाएंगे, इसे थोड़ा सा चिपचिपे बनाना है। इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। थोड़ा सा चिपचिपी हो गया है, हम इसमें अब फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, आपका मर्जी, स्किप कर सकते हैं। सुंदर के लिए, खूबसूरती के लिए इसे हम कलर ऐड करते हैं। इसे अब साइड कर लेंगे, चिपचिपा हो गया है। एक छलनी से हम छान चुके हैं, जो सूजी का छलनी रहता है उसी से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जो कच्चा होगा वो भून जाएगा। थोड़ा सा इसके लिए घी लेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे हम, छारा चूरन को इसमें डाल लेंगे। जो भी कच्चा होगा इसमें हम उसको भून लेंगे। हम थोड़ा सा भून लेंगे, लो फ्लेम में भूनेंगे लगातार चलाते हुए। जो इसमें कच्चा दाना रह जाता है उसे हम इस तरीके से भून लेने से सारे अच्छी तरीके से सिक जाता है। इस तरीके से बनाने से ज़्यादा इसमें ऑब्जर्व नहीं करता है घी और तेल ऑयल। आप चाहे तो घी में बना सकते हैं, चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल। देसी घी से बनाने से इसका टेस्ट कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऑयल से बनाने से बहुत ही खूबसूरत भी होती है। इसका खुशबू आने तक हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे, थोड़ा सा खुशबू आने तक हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे, जैसे कि ये हर जगह से पक जाए। कोई सा काम जल्दबाजी से नहीं होती है, हम लो फ्लेम में बनाएंगे इसे धैर्य रखकर। जल्दबाजी से करने से हर काम खराब हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रख के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। हर काम में सफलता मिलती है। इस तरीके से चला के हम भून लेंगे, ताकि जो कण कण से कच्चा रहे वो भून जाए।
हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। भून चुका है, कच्चा रहे तो ज़रा टेस्ट उसका ख़राब आता है, इसलिए हम इसे अच्छी तरीक़े से घी में भून लेंगे। कितना दाना दाना हुआ है, खिला खिला। इसे हम भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, देखो कितना सुंदर भून गया है। इसमें हम अब ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। चाशनी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें 6 से 7 हरी इलायची का पाउडर डाल लेंगे। सारे इसमें डाल लेंगे। सारा चाशनी इसमें ऑब्जर्व कर गया है। इसमें हम अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है, आपका मर्जी, आप इतना ही डाल सकते हैं। सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखो कितना सुंदर दाना दाना हुआ है। इसे हम कवर करके 25 से 30 मिनट हम रखेंगे, बीच में 1-2 मरतबा ऊपर नीचे कर लेंगे। देखो इतना दाना दाना हुआ है। देखो कितना सुंदर बन गया है। इसका हम अब लड्डू बनाएंगे। 20 से 25 मिनट हम रख चुके हैं। थोड़ा सा उसे लड्डू हम बनाएंगे, इतना थोड़ा सा वार्म होगा इसे हम बना देंगे, जिसमें हाथों से चूनर से छू सकते हैं। इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे। इसे हम इस तरीक़े से दबा दबा कर इसका गोल आकार देंगे। इस तरीक़े से हम सारे लड्डू बना लेंगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी आपके पास सबसे पहले जाके पहुंच जाएगा। देखो
कितना सुंदर बन गया है हमारा मोतीचूर का लड्डू। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत ही सुंदर बनता है, मज़ेदार बनता है। देखो कितना सुंदर बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। देखो हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं।